तो मुझको देख के मेरे हस्बैंड बहुत सरप्राइज होने वाले हैं कि इधर दीदी आ रही। सो आफ्टर जीरो टू नो रिएक्शन फ्रॉम हस्बैंड आई गॉट सैड। आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिमोर एंड आपका स्वागत है मेरी जिंदगी में। एक्चुअली अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि हिम्मत के आने का समय हो चुका है। हिम्मत मेरा बेटा जो कि स्कूल में है और उसके घर आने का समय है और मुझे उसको पिक करने के लिए जाना है बस स्टॉप पे। सो जल्दी से चलते हैं, उसको पिक करते हैं, देन हम व्लॉग शुरू करेंगे। आई नो मैं व्लॉग शुरू करने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो कितने सारे काम थे लैशेज को लेकर जो मैंने फिनिश कर लिए हैं और उसके बाद मैंने एक बहुत ही ब्यूटिफुल वीडियो शूट की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ, जो कि है हाउ टू लुक प्रिटी ऑल द टाइम। ओके दोस्तों जल्दी जल्दी जाते हैं, हिम्मत को लेते हैं, देन हम बातचीत करेंगे। ओके ओके सो लेट्स गो, वी हैव टू रन अदरवाइज वी गॉना मिस द बस। मे बी मैं फनी लग रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी जैकेट पहनी है जो कि है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ मेरी जैकेट निकालने के लिए, पर ये इतनी ज़्यादा वार्म एंड कोजी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाहर बहुत ठंड है दोस्तों, लेट्स गो। एक्चुअली मेरे पास 2-3 मिनट है तो मैं जा रही हूँ चेक करने के लिए मेल बॉक्स। मेल बॉक्स को चेक करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बाहर ठंड है, तूफान है, फिर भी मैं जा रही हूँ। लेट्स गो टू चेक मेल बॉक्स फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हैं। वो 4-5 मिनट हम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जाएंगे मेल बॉक्स चेक करने। आप देख सकते हैं मैंने ब्यूटीफुल दिल वाला पजामा पाया है और ये बर्फ़ के पहाड़ों को चीरते हुए जा रही हूँ मैं। ओके बहुत ड्रामेटिक है, इतनी बर्फ़ नहीं आज और ठंड भी नहीं है। आई एम किडिंग, मजाक कर रही हूँ। ओ यार फ़ोन नहीं लिया मैं, मुझे टाइम कैसे पता चलेगा। ओह नो मेरे कैमरे की बैटरी भी डाई हो रही है। इतना ज़्यादा वॉक करके आने के बाद खाली भी हो बॉक्स सब कुछ। सो मेरा इतना ज़्यादा वॉक करने का फ़ायदा क्या हुआ मैन। ओके मुश्किल से 20 कदम किए, हिम्मत का कीकी उसकी वेट कर रहा है। ये हिम्मत इसको ऐसे देख के बहुत खुश होने वाला है, लगता है ये हिम्मत की ही बस है। ओके दोस्तों तो आ चुका है ये लड़का। एक्चुअली भूमि रो रही थी बस से उतरते हुए, तो हम उसको काम करने के लिए लग गए थे, सारे वीडियो नहीं बनाई। पर ये कह रहा है कि भूमि के घर जाना है, मैंने कहा कि कुछ खा पी के हम उसके घर आते हैं शाम को खेलने के लिए। नाउ ही इज़ हैप्पी। मे मे वी गो भूमि हाउस टूडे, डोंट वरी, फर्स्ट यू गो होम ईट समथिंग। ओके गुड जॉब हिम्मत, मिस यू सो मच कीकी। नो पूछी गाइस। Then mommy and daddy are married, and then they need to buy someone. A kid? Don't tell. Oh, sorry. Then they have to buy someone. And they have to buy me. Oh yeah, you love me. I'm mommy tummy. From mommy tummy? All right. Actually guys, I was telling him that I'm not your real mommy, I got you from somewhere, and he said no, I know everything. When you and daddy got married and when you're ready for a kid, that you wanna buy a kid, and you got me from your tummy. That's what he trying to say, yeah? Now you can watch. कहाँ कहाँ से stories बना के लाता है तो बताता है मुझे। So yeah, उसने story बता दिया, वो hand wash कर रहा है। अब time है snacking का, उसे कुछ खिलाऊंगी, खुद कुछ खाऊंगी। Guys, look at this, what Mimi made for me. Thank you, Mimi. Is this my Valentine's Day gift? No, it's me. Okay, this is my Valentine's Day gift. Thank you, Himmat. Welcome. 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 सो हिम्मत खाएगा ये बहुत ही सिंपल से नमक वाले राइस दही के साथ, ये उसका लंच और आफ्टर स्कूल मील होने वाला है। सो मैं खाने वाली हूँ बेरीज एंड एप्पल, उसके साथ मैं पीऊँगी कॉफ़ी या चाय। सो ये स्नैकिंग। सो चाय रेडी, चाय को दिखाने का कोई मतलब तो बनता नहीं, हर बार सेम दिखती है, पर यार चाय को लेके बैठूँगी मैं और मैं इंजॉय करूँगी टीवी, मेरा ब्रेक टाइम है, उसके बाद मैं एडिटिंग शुरू करने वाली हूँ। सरप्राइज अस विद अ पिज़्ज़ा नाइट। No. I love that pizza. And they got an amazing chicken pasta too. No. Mimi, I can show you baby meal. Come here. All right, दोस्तों तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं और हस्बैंड ने कहा है कि आज हम खाने जा सकते हैं पिज्जा पास्ता। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी विद द लाइफ, इट्स सो गुड, आई एम एंजॉयिंग। डोमिनोज़ नॉट गुड। डोमिनोज़ तेनू पे कर दे। गाय
गाइस हम लोग इटालियन जाना चाहते हैं, ये कह रहा मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं डोमिनोज खाना चाहता हूँ। मेमी दे गिव यू कलरिंग बुक कलर सो मच फन। No, I love that. Thank you. Holy press. Me too. I hate that. I don't want to go there. Where you want to go? I want to go with Domino's on a pizza. No. Actually, pata ki chanda ki kar. Daddy, why you said Daddy, that's the baddest word on the planet. No. You have to get Domino's pizza. Okay, ask mommy. I'm not gonna do it. Not Domino's, Mimi. I love that. Okay, so I guess you barely can see me. So I'm going upstairs to get ready. जो कि मैं already हूँ, बस कपड़े decide करने हैं कि कौन से पहने हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है. Like इन कपड़ों में decide करना कि कौन से कपड़े पहने हैं, तो बाद से फिर same t-shirt ते jean पा लेना. That's my nature. But आज असी कुछ करांगे adventurous. Okay, try. Let's try. So yes, मैंने कैमरा कर दिया है सेट और हम लोग करेंगे कुछ एडवेंचरस. एडवेंचरस करने से पहले जरूरी होता है देखना कि टेम्परेचर कितना है बाहर, क्योंकि एडवेंचर सारा जानना निकल जब बाहर मौसम हो खराब. ओह, बाहर है -3. -3 इज गुड. ओके, ना नॉट बैड. सो की पाइए की पाइए. फिर की पा सारा गया है निकल, क्योंकि सारे कपड़ों को देख के मुझे लग रही है ठंड की. यार इच्छी भी ठंड लगनी, इच्छी भी ठंड लगनी. एक्चुअली लेट मी थिंक और देन मे बी आई विल शो यू कि मैंने क्या डिसाइड किया है. मुझे पता है कि मैं सेम कपड़े पहनूंगी, काला पालूंगी बातों बाद. चाय पे टैग भी लगा है, पाके देखा किधर लग दिया. Let me wear this denim. उद्घाटन करता है इसका. I'll be back. Hey, I'm back. Actually, मैंने ये डेनिम पहन काफी प्रिटी लग रही है और हाई वेस्ट भी है, पर अब चिंता है कि इसके साथ क्या पहने. कोटी पाइए. एक्चुअली स्किनी का पहनने का चक्कर पता क्या है कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए इस चक्कर में मुझे स्किनी अच्छी नहीं लगती है. यार ये जो पिंक है ना, मैंने कभी नहीं पहनी. हमेशा सोचूंगी जब मैं इसे डोनेट करने के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार पहनूंगी मैं, डोंट वरी, पहनूंगी वन डे पहनूंगी. वन डे कभी नहीं आता. ये बहुत ज्यादा हॉट पिंक है, क्यों ना उस वन डे को आज बना लिया जाए. टू थिंक बना लिए. यार इसके साथ शूज कौन से पहनूंगी मैं. आई विल बी बैक. ओके दोस्तों, डिसाइड कर लिया मैं, यही पाना मैं, देखी देखी जाऊंगी. पर शूज पहनने की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मुझे स्किनी जीन्स के साथ शूज का पता नहीं चलता कि कौन से शूज पहनो कौन से नहीं. सो वो मुश्किल होने वाली है. वैसे मैं ये नी हाई बूट्स ट्राई कर सकती हूँ. They're not looking bad. So, मैं तैयार हो चुकी हूँ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर. सो मुझको देख के मेरे हस्बैंड बहुत सरप्राइज होने वाले हैं कि इधर दी तैयारी, चलो उनको सरप्राइज करते हैं आज. चलिए लेट्स गो. एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ पहले. सो मैंने पहने हैं शू बूट्स स्किनी एंड ये स्वेटर जो कि पिंक है. लेट्स गेट हिज रिएक्शन जस्ट अ मोमेंट. डैडी आई एम रेडी एंड डोंट से बैड वर्ड्स टू मी. ओह नो, ही नॉट लिसनिंग. डैडी लुक एट माय शूज. इतने गंदे रिव्यूज. मिमी कैन यू मूव हिम, ही लुक्स वेरी स्लीपी. रिएक्ट करो कुछ. नो रिएक्शन.
reaction from husband, I got sad. Mimi, can you say, wow, mommy, you looking pretty, come. And please. I'm just saying. Mimi, you look my, you like my outfit? Himmat, you not love me? You not love me? Me, I'm angry with you, daddy. Why, daddy? You're not giving me reactions and you're not saying you're pretty, you're not saying anything. Why are you so bad, husband? Oh, I wasn't listening to you. So after zero to no reaction from husband, I got sad. Huh? What? What? Around no reaction ke baad, humne decide kiya, hum nahi jayenge. Maine. But then husband says sorry and blah blah blah, blee blee blee, and now we are going. Okay, so nanni si conflict ke baad, then we decide yes we are going. Maine jaane se mana kar diya tha, par maine usse kaha ki hum log ja rahe hain, tum akele raho. Fir wo bhaj ke aa gaya ki nahi man chhad ke na jao. So yeah, ja rahe hain. Aur that's it. Dad is not wearing coat and he's freezing now. And he's just sitting katha mutha ho gaya. ओके सो हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है ओलिप्रेस. अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो ज़रूर आए. मैंने कितनी बार पहले बताया ये ओकविल में है और मुझे पता नहीं कि इसके बिना कहीं और पे लोकेशन है या नहीं. ओके सो हस्बैंड का कहना है कि मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँ, पर मेरी नवी चीज़ ट्राई करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आज तक मैंने जो भी ट्राई किया है फिर मैं मज़ा नहीं आया. तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं, हस्बैंड डिसाइड कर रहे हैं वो क्या खाएंगे. और ए दी जदोजहद चलन दिया कलर्स ना दे. मैं खोल दा दे. हिम्मत बहुत ज़्यादा ना खुश है क्योंकि वो कहता कि मैं इतने नहीं डोमिनोज जाना है. मम्मी चूज कर की खाना गाय देने थे क्रॉस बनाता करना है ना, जो मैं कुछ नहीं खाना. We both are best friends, right? Right? We are best friends? Yeah. तो टेक अवे हो चुका है पैक. हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा नींद में है, टेड पर गया है, उनको अब लौटने के लिए बेड चाहिए. और हिम्मत काफ़ी सस्पिशियस है, वो सारी कैंडियाँ खा गया जो हमें मिली हैं और हम रेडी हैं घर जाने के लिए. सो घर पहुंच चुके हैं हम लोग एंड डैडी इज़ बिजी विद बेस्टीज फ़ोन. और हिम्मत कपड़े लान दी काली चिया. ओके ओके दोस्तों, सो आज का दिन बीत चुका है. फिर आज मेरा दिन जो था बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था. बहुत खुश होती हूँ मैं उस दिन में जिस दिन मैं प्रोडक्टिव होती हूँ. प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अच्छा फील करूँ. आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी. सो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया. जैसे मुझे लगता है मैंने अर्लियर वीडियो में बताया होगा कि आज मेरा प्लान था कि मॉर्निंग रूटीन शूट करूं, पर बिकेज हिम्मत कितने दिन के बाद स्कूल गया है तो बहुत मुश्किल से मैंने उसे उठाया क्योंकि उसका जाने के लिए मन नहीं कर रहा था, तो मॉर्निंग रूटीन में शूट नहीं कर पाई. पर मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो शूट की है जो कि है कि हाउ टू लुक प्रिटी ऑलवेज, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स. ये मतलब नहीं है मेरा कि प्रिटी लाइक ऐसा कोई मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा प्रिटी होना चाहिए, कोई अगली है या प्रिटी है, पर या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम कि हमेशा हम प्रिटी फील करें या अपने लिए सेल्फ केयर के लिए. सो वो वीडियो को एडिट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, वो आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो थैंक यू, अगर आपने वो ऑलरेडी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि वो आप वीडियो देख पाए. सो या ए सी मेरी ए स्टोरी. सो ये जो स्वेटर है मैंने बहुत समय पहले लिया था, लाइक 2 या 3 साल पहले लिया होगा,
कौन सी ब्रांड से, जाफुल या शीन पता नहीं, पर मैंने इसको कब से सेव करके रखा था कि पहनूंगी, कभी पहनूंगी कभी पहनूंगी, और आज इसको पहन के मुझे इतना मजा नहीं आया, सो इसको मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। फुली ये मेरी कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी होगी, या दैट्स इट। तो पहला हम उतारेंगे हमारे गहने गट्टे, क्योंकि गहने गट्टे पहनने की मुझे आदत नहीं है और फिर मुझे बहुत अजीब लगता है, स्पेशली इयररिंग। मुझे समझ नहीं आता वो दोस्त जो हमेशा इयररिंग्स पहन के रखते हैं वो कैसे सो जाते हैं इयररिंग्स में। मुझे इयररिंग्स पहनने की आदत नहीं है। आपने मुझे हर बार देखा होगा कि पर ये वाले स्टड्स कितने ब्यूटीफुल है यार। आपने मोस्टली मुझे हर टाइम मेरे कानों को खाली देखा होगा, पर अब मेरी कोशिश होती है कि कभी कुछ ना कुछ पहन के रखूं, क्योंकि यू नो ये जो नन्नी मन्नी सी ज्वेलरी है ना, लाइक दीज डैंटी पीसेस, ये आपके लुक को बहुत डिफरेंट बनाते हैं। चंगा दोस्तों, मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है आज। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर दिया आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें। बहुत सारे काम है आपको करने के लिए, सारे काम करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन।